नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम आज का चैप्टर पढ़ें, आज का चैप्टर है बेसिकली सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम अ टाइगर इन द जू, जिसके साथ साथ उसके आगे दी हुई तीन पोयम्स भी हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस क्यों करेंगे, क्योंकि नॉलेज फॉर क्यूरियस ये जो चैनल है नॉलेज फॉर क्यूरियस, इसका मोटिव फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं जो किताबों की वीडियो बनाता हूँ वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनाता कि आपके एग्जाम में आएगी इसलिए आप पढ़ो। मैं आपको समझाता हूँ इस नजरिए से कि वो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पाए, आपकी लर्निंग हो। लर्निंग को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ आपकी नॉर्मल एजुकेशन से, शिक्षा से इंपॉर्टेंट होता है सीखना। इसलिए हम चारों पोयम को डिस्कस करेंगे ताकि आप फीलिंग समझ पाओ। वो चारों जो पोयम है उनकी फीलिंग कनेक्टेड है। फीलिंग समझाने के लिए ही कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपको पता होगा मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ, तो क्या आप एक जिंदगी भर के लॉकडाउन में रह सकते हो? उस लॉकडाउन में आपको बंगला मिलेगा, ऐसे ऑगी वाला पूरा बंगला, आपको वहां पे एसी मिलेगा, गर्मी का टेंशन नहीं, आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, आपको 24 घंटे इंटरनेट मिलेगा, और जो आप खाना चाहोगे ऐसी पूरी थाली खाना चाहोगे वो मिलेगी, आपको केएफसी का बर्गर चाहिए वो मिलेगा, डोमिनोज का पिज्जा चाहिए वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। केवल एक शर्त है, इस बंगले से आप बाहर नहीं आओगे। जो आपको चाहिए दुनिया का बेहतरीन खाना आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर बाहर नहीं आओगे। क्या एक्सेप्ट करोगे आप? इज इट पॉसिबल? लाइफ लॉन्ग आपको कमाने का टेंशन नहीं, आपको पढ़ाई का टेंशन नहीं, ऐश ही ऐश, बस बंद रहोगे, घूम नहीं पाओगे, छत तक आ जाओ बस उसके बाहर घूम नहीं पाओगे। आई एम श्योर आपका आंसर ना होगा। तो आप खुद सोचो ना, ऐसा क्यों? क्योंकि हम बने हैं घूमने के लिए। आजादी हर क्रिएचर का अधिकार है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ क्रिएचर्स की आजादी को हम बंद कर देते हैं क्योंकि हम उनकी आजादी की कद्र नहीं करते, हम उनको शोपीस बना देते हैं। जैसे जब आप जाते हो जू में तो टाइगर आपके सामने होता है, शेर है ना, शेर हो गया, लेपर्ड हो गया, या बाकी के जीव जंतु हो गए, तो उनको हमने बंद करके रखा है। लाइक अपन देखते हैं ना पिंजरे में पक्षी को बंद करके रखते हैं, क्यों? पक्षी को उड़ने दो, वो बना है आसमान में उड़ने के लिए, पर हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए हम उसको बंद करके रखते हैं। तो इसी पर बेस्ड है ये चार पोयम्स भी। आइए शुरू करते हैं ये पोयम्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये अ टाइगर इन द ज़ू, ये एग्जाम में आएगी, बाकी की तीन एग्जाम में नहीं आएंगी। तो अगर आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हो तो आप ये वाली पूरी पोयम देख लेना, इसमें मैं आगे आपको फिगर ऑफ स्पीच भी बताऊंगा इसकी। अगर आप नॉलेज के लिए देख रहे हो तो बाकी की तीन पोयम भी आप देख सकते हो। देखो, ये लिखी है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने, ये इनका जन्म, ये इनकी डेथ, ये प्राइज विनिंग वेल्श मतलब क्या है देखो, तो इंग्लैंड के ही एक ऑटोनॉमस कंट्री है जिसका नाम है वेल्स, ठीक है, WALES, वेल्स का एडजेक्टिव होता है वेल्श, इसलिए देखो ये कैपिटल है ना, W, वेल्श। ग्रामर के वीडियोस में मैं बता चुका हूँ वैसे कि ये कैपिटल क्यों है। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है, पोएट भी है, और ये टीचर भी रह चुके हैं। तो देखो कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, टीचर भी हैं और कवि भी हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो टीचर भी हो कवि भी हो, लाइक कुमार विश्वास है। नॉरिस को बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल्श राइटर्स में गिना जाता है पोस्ट वॉर पीरियड की। पोस्ट वॉर है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात की ना, देखो 1921-1918 में वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद के हैं ये। इन्होंने बचपन में अपने रीडिंग एंजॉय किया, बहुत किताबें बहुत पढ़ते थे, स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे। 12 साल की उम्र हुई तब उनको समझ में आया कि देखो कितनी जल्दी समझ में आ गया कि मुझे कवि बनना है, और वो ये डायलन थॉमस और वर्नॉट वॉटकिंस नाम के इन पोएट्स को सुनने लगे, मतलब जो उस समय के फेमस पोएट्स थे। तो 12 साल की उम्र में समझ में आ गया कि करियर कहाँ बनना है। तो यहाँ तो लोग 21-22-23 में समझ में नहीं आता। इन्होंने पहली अपनी पोयम जो है वो 1938 में छापी थी, जब सिर्फ 17 साल की इनकी एज थी। उसी ईयर उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया अपने फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से, मतलब बजट नहीं था तो स्कूल छोड़ना पड़ा, यानी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। अब हम पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड पोयम को। सबसे पहले देख लो पोयम किस बारे में, शॉर्ट में बता देता हूँ। पोयम बताएगी एक टाइगर के दो कंडीशंस में कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है ऑपोजिट, वर्सेस लिखा है ना मैंने कि एक टाइगर जब जू में होता है तो उसकी हालत क्या है, और जंगल में होता है तो हालत क्या है। तो पांच स्टेंजा होंगे, पहले में वो होगा जू, फिर जंगल, दूसरे में भी जंगल, तीसरे में फिर जू, चौथे में फिर से जू। तो हम बेसिकली एक यात्रा करेंगे, पोयम हमेशा एक यात्रा होती है, ठीक है, टाइम और स्पेस इसमें चलता रहता है। तो यात्रा कहां से होगी, जू से जंगल, जंगल से फिर जू, ये यात्रा पूरी चलेगी इस पोयम में, ठीक है। और इसमें एक राइम स्कीम फॉलो होगी ABCB, मैं आगे आपको बताऊंगा ABCB क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच जब हम बात करेंगे। शुरू करते हैं कि ही टॉक्स,
in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. याद रखना ही क्वाइट नहीं होता, क्वाइट होता है. तो देखो ये जू से शुरुआत होती है. जू में जब टाइगर है तो वो जब चल रहा है प्राउड के साथ, लेकिन अपनी वाइवर्ड स्प्रिट्स में. वाइवर्ड स्प्रिट स्ट्रिप्स मतलब होता है ये स्ट्रिप्स होती है ना, धारियां, चमकती हुई धारियां, धीरे 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 अपने वो पिंजरे में चल रहा है. और उसके जो पैड्स है वो क्वाइट है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब ये जो पंजे हैं, जो पंजों को उससे वेलवेट से कंपेयर किया, कि वेलवेट का कपड़ा ही होता है, आपने देखा होगा. तो देखो आप, वेलवेट का कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, मोटा मोटा, ऐसे इसके पंजे होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो क्वाइट होते हैं, यानी आवाज नहीं आती. तभी तो आप देखो जब टाइगर शिकार करता है ना, धीरे धीरे चलता है, नाखून दबा लेता है और वेलवेट के पंजे रखते हुए चलता है, तो आवाज नहीं आ पाती है. तो ये जो टाइगर है ये धीरे 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 अपने केज में चल रहा है. फिर क्या होता है, अब वापस आ गए हम जू में, अब सॉरी जू से हम आ गए जंगल में. अब जंगल में देखो क्या होता, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. लेकिन ये कहां गई स्टोरी थी उसकी एनर्जी, जू में. अगर जंगल में होता तो वो क्या करता, वो छुप रहा होता, लर्क इन द शेडो मतलब ऐसे छाया में छुप रहा होता, और इस लंबी सी घास जैसे, ये तो वैसे पेड़ है, अगर लंबी सी घास होती उसकी छाया में वो छुप रहा होता किसी ऐसे इस पानी के किनारे. क्यों, वो देख रहा होता किसी मोटे से हिरन को. जब एक मोटा ताजा हिरन वहां से गुजरता है, आपने कभी डिस्कवरी में देखा होगा, तो ऐसे एक शेर छुपा हुआ होता है, फिर मौका देख के इस तरीके से झपट पड़ता है और अपना शिकार करता है. शेर बना इसलिए था, जू में पालने के लिए नहीं बना था. तो ये होता अगर वो जंगल में होता अपने सही घर पर. अगले में भी यहाँ पे भी हम देखेंगे जंगल में और क्या करता है वो. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस टेररिजिंग द विलेज. और क्या करता है वो, देखो तो आपको पता होगा जंगल हमेशा तो होता नहीं हर जगह. जंगल के बाद ऑफकोर्स गाँव होते हैं, शहर अक्सर दूर होते हैं, जंगल और गाँव करीब करीब होते हैं. तो अक्सर शेर क्या करते हैं, ये जंगल से खिसकते खिसकते गांव में आ जाते हैं, गांव के एज में. बहुत जगह आपने सुना होगा कि शेर आया, तेंदुआ आया और वो बकरी को खा गया, भेड़ को खा गया, इंसान को खा गया. गुजरात में तो बहुत सारे शेर है, कई बार निगरानी करना पड़ती है. तो होता क्या है बेसिकली, वो क्या कर रहा होता, वो स्नार्लिंग करता. स्नार्लिंग मतलब गुस्से से दहाड़ना, थोड़ा दहाड़ना, वैसे रोर होता है, दहाड़ने से थोड़ा सा कम है ये. तो वो इस तरीके से आवाज करता, गरजता बेसिकली. तो घरों के पास गरजता और लोगों को डराता अपने वाइट वाइट फैंग्स, मतलब ये वाइट वाले दांत दिखा रहा होता, अपने पंजे दिखाता और गांव वालों को डराता. अब वापस आ जाओ जू पे, ठीक है, जू जंगल जंगल जू. लेकिन यहाँ पे असली में क्या हो रहा है, अब वो एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है. कॉन्क्रीट सेल मतलब पत्थरों के ऐसे दीवारें हैं उसके आसपास, बिहाइंड द बार्स मतलब इन सलाखों के पीछे उसकी ताकत बंद है. वो बस अपने जो केज है, केज मतलब ये जो पिंजरा है, इस पिंजरे में ही स्टाल कर रहा है. मतलब इतनी सी जो लेंथ है इसकी, छोटा सा पिंजरा बड़े से जंगल की जगह, इस छोटे से पिंजरे में वॉक कर रहा है विजिटर्स को इग्नोर मारते हुए. क्योंकि देखो रोज का हो जाता है, विजिटर आते हैं जाते हैं, आप भी कभी जू गए होगे तो बहुत ज्यादा उत्साह में शेर नहीं होता है. अरे वो नॉर्मल वॉक कर रहा है, हम लोग उत्साह में होते हैं तो हमको लगता है कि शेर भी हमारे साथ बात कर रहा है या हम मजे ले रहे हैं, उसकी फोटो खींच रहे हैं. और शेर का भी उत्साह में थोड़ा ना होता है, वो तो बेचारा परेशान है ना, वो तो हम लोग मजे ले रहे होते हैं कि हमारे लिए कुछ नया है. आखिरी स्टैंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. उसको आखिरी वॉइस क्या सुनाई देती है रात को, पेट्रोलिंग कार्स की, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आईज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स. और होता क्या है, वो पेट्रोलिंग कार को देखता है अपनी चमकती हुई आंखों से, और देखता है किसको, इन रात के सितारों को. मतलब बेसिकली उसकी आखिरी आवाज जो उसको सुनाई देती है रात को वो कारों की होती है. मतलब उसका दिन कैसे बीतता है, अपने ही केज में कन्फाइंड, जंगल की जगह एक केज में, मतलब समझ रहे हो कि आजादी बंद हो रही है. और रात को जहाँ पे जंगल का ऐशो आराम, ऐशो आराम से मेरा मतलब है या पक्षियों की आवाज, नेचुरल हैबिटेट, नदी के पास का पानी, उसकी जगह क्या होती है, पेट्रोलियम पॉल्यूशन वाली कार और ये सितारे, यानी आजादी की वो इच्छा करता रहता है, उसको नहीं मिल पाती. अब हम देखते हैं, वैसे बहुत छोटी पोएम थी, अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइस यूज हुए. सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ राइम स्कीम क्या होता है. देखो राइम स्कीम मतलब होता है तुकबंदी. तुक मतलब जब एक लाइन जैसे मैंने खत्म की तो अगली वाली लाइन भी उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है. अब आप देखो यहाँ पे स्ट्राइप्स और केज मैच कर रहा है, नहीं कर रहा. क्वाइट मैच कर रहा है, नहीं. रेज रेज केज मैच कर रहा है. तो ये दोनों मैच कर रहे हैं और ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं इमेजिनरी. जैसे मैच में होता ना लेट एक्स कर देते हैं हम, एक्स मान लिया, वाई मान लिया. ऐसे हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, और ये मैच कर रहे हैं इसलिए इसको भी हमने बी मान लिया.
तो ये इस तरीके से ए बी सी बी हो गया। अब मान लो ये दोनों मैच कर रही होती, ये दोनों मैच कर रही होती, तो ये होता ए बी, चारों ही मैच नहीं कर रही होती, ए बी सी डी, और मान लो ये दोनों मैच नहीं कर रही हो, ये दोनों मैच कर रही है, तो ए बी सी सी जो मैच करेंगी वो सेम कहलाएंगी। तो ये तो था यहाँ पर राइम स्कीम, ये आने वाले चारों स्टेंजा में ही चलेगा। मेटाफोर कैसे है, मेटाफोर यानी रूपक, जब हम किसी को कंपेयर करने के बजाय डायरेक्टली बोल देते हैं कि चांद सा सुंदर नहीं, चांद ही है, तू चांद है, चांद सा नहीं चांद है। उसी तरीके से क्या है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट मतलब यहाँ पंजों के लिए बोला गया, तो ये नहीं बोला गया कि पंजों वेलवेट की तरह सॉफ्ट बन जाए, इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया पैड्स ऑफ वेलवेट। ये हो गया आपका रूपक यानी मेटाफोर। फिर आता है एंजेमेंट, एंजेमेंट में क्या होता है, ये भी आगे आप सारे स्टेंजास में आएगा कॉमन, तो याद रखना, बार बार मैं बताऊंगा नहीं। जब एक सेंटेंस होता है वो बिना पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन में जंप कर जाए, तब उसको कहते हैं एंजेमेंट। देखो कैसे, जैसे ही स्टॉक्स इन हिज वाइवर्ड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज पेज, तो एक ही लाइन है यहाँ पे, देखो यहां से यहां तक सेंटेंस है पर बिना कॉमा के ही नीचे जंप कर गया, इसको बोलते हैं एंजेमेंट। ये इसमें हुआ है, आने वाले स्टेंजास में होगा। इमेजरी मतलब होता है जब हम इमेज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जिसे आपको पढ़ते ही इमेज याद आ जाए, इमेज आपके माइंड में बन जाए। तो जब मैंने बोला कि वो वॉक करता है अपनी वाइब्रेट स्ट्रिप्स में, तो आपने लाइफ में टाइगर तो देखा ही होगा, तो ऑफकोर्स आपको वॉक करता हुआ एक टाइगर याद आ जाएगा। फिर आता है कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में क्या होता है, एक जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे आप देखो स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, स स स स स, एस साउंड देखो कितनी बार आ गया, एक दो तीन चार पांच बार आ गया, तीन वर्ड्स में पांच बार ये साउंड आ गया, इसलिए कॉन्सोनेंस है, एक तरह का अनुप्रास अलंकार। फिर आता है एजोनेंस, इसमें वॉवल साउंड रिपीट हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे देखो इन हिज वाइविड स्ट्राइप्स, आई 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 आई, चार वर्ड्स हैं और कितनी बार आया, ये वाले सॉरी ये वाले को मैं गिनना, आई यहाँ से आई, एक दो तीन चार पांच बार, देखो यहाँ पे भी चार वर्ड्स में पांच बार आई आ गया, तो ये एजोनेंस हो गया। ऑक्सीमोरॉन मतलब क्या होता है, जब दो वर्ड साथ में हो और दोनों का मीनिंग ऑपोजिट हो, जैसे मैं कहता हूँ आई एम सीरियसली जोकिंग, सीरियसली जोकिंग, तो कितने ऑपोजिट हो गए, वैसे ही यहाँ पे देखो आप इन हिज क्वाइट रेज, अब क्वाइट मतलब होता है शांत, रेज मतलब गुस्सा, तो एक ही चीज को करोगे, या तो गुस्से में रहोगे या शांत रहोगे, तो यहाँ पे क्यों बोला गया है, यहाँ पे तो इसलिए बोला गया था ना क्योंकि अपने गुस्से को वो कंट्रोल कर रहा है, एकदम धीरे 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 वो चल रहा है और गुस्से को वो कंट्रोल कर रहा है। कितना गुस्सा होता है शेर के अंदर, जंगल में जाके कभी उसके सामने आप खड़े हो जाओ, खा जाएगा आपको, तो वहां देखो कितना कंट्रोल करा हुआ है गुस्से को वो। आगे देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग वाला स्टैंजा राइम स्कीम में आपको समझा चुका हूँ, एंजेमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, आपको मिल जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल स्लाइडिंग से लेके यहाँ तक, ये देखो पूरी लाइन कंटिन्यू हो रही है बिना किसी पंक्चुएशन के। एलिट्रेशन ये होता है अनुप्रास अलंकार, तो देखो पी और पी मैच कर रहा है, ठीक है तीन वर्ड्स हैं, काफी करीब है और पी मैच कर गया, इसलिए ये एलिट्रेशन हो गया। इमेजरी यहाँ पे भी एक इमेज क्रिएट हुई है, वो क्या हुई है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, आपको याद होगा मैंने आपको एक इमेज दिखाया था यहाँ पर कि वो छाया में बैठा होगा, तो जब ये कहा गया ना ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, तो आपके माइंड में पक्का इमेज आई गई होगी कि एक शेर छाया में बैठा हुआ है, इमेजरी हो गया ये। अब राइम स्कीम बता चुका हूँ, एंजेमेंट आप देख सकते हो ही शुड बी से लेकर एज तक, ही शुड बी से एज तक ही रहा। फिर एजोनेंस, एजोनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि वॉवल साउंड ओ रिपीट हुआ, जैसे शुड बी अराउंड हाउसेस, ओ ओ ओ, आई देखो बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज आई 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 आई, चार बार आई आ गया, ये हो गया एजोनेंस का एग्जाम्पल। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में एस मिल जाएगा आपको, स स स स, ठीक है, तो ये काफी हद तक सेम होता है एलिटरेशन कॉन्सोनेंस, ऐसे अगर हिंदी में आप पढ़ोगे तो अनुप्रास के ही ये भेद है, इंग्लिश में भी इस तरीके से है। आगे मैं वीडियो लेके आऊंगा एक जिसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको बुरे के बुरे बताए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर राइम स्कीम हो चुका है, एजोनेंस कैसे है, ये ई का बहुत यूज होगा, ही इज लॉग्ड, ही लॉग्ड ई, कॉन्क्रीट सेल, चार बार आ गया ई। कॉन्सोनेंस में एस देखो, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स स
सर एन एस 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 एलिट्रेशन बिहाइंड बार्स बी और बी से स्टार्ट होता है दोनों। यहाँ पे हो चुका है दोनों चीजें। एच आप देख सकते हो ही हियर्स, ये देखो शुरुआत में ही हियर्स एच एच से स्टार्ट होता है ना एलिट्रेशन। एजोनेंस विथ हिज ब्रिलियंट आई आई आई, तीनों बार आई आया है। अब पढ़ते हैं हम अगली पोयम। तो अब जो लोग एग्जाम के मार्क्स के लिए पढ़ रहे थे वो लोगों के लिए वीडियो खत्म होती है, और जो लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए अगली पोयम शुरू होती है। देखो अगली पोयम है पीटर निबलेट द्वारा लिखी हुई। पोयम का नाम है द टाइगर। सिमिलर फीलिंग है, बहुत ही सिंपल सी पोयम है। वैसे ये आपके लिए थी कि आप रीड करते, पर मैं चाहता हूं कि इसको मैं डिस्कस कर लूं ताकि आप जब इसको रीड करो तो आप पता कर पाओ कि मैंने सही करा कि नहीं, मतलब आपने सही करा कि नहीं है। देखो द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ गेट ग्राउल्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको मिलेगी, ध्यान देना। ग्राउल्स, फिर से वही, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल्स। द टाइगर बिहाइंड द केज ऑफ सॉरी बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोज। अब आप अगर तीनों को ध्यान से देखो, मैंने तो ऑब्जर्व कर ली चीज, कि आपको पता है ये जो तीनों आवाजें हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे धीरे जो आवाज निकलती है वो थी ग्राउल, लो साउंड। स्नार्ल उससे थोड़ी सी तेज होती है, रोर सबसे तेज होती है। यानी आप देख सकते हो कवि का कितना अच्छा दिमाग और कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है कि वो आवाज को असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने सेट किया हुआ है, कि सीन की तरह बनाया है कि उसके पीछे केज के पीछे वो धीरे धीरे आवाज बन रही है। कभी ग्राउल करता है, कभी स्नार्ल और कभी रोर। फिर वो सोचता है कि इट वुड बी नाइस, देन ही थिंक्स इट वुड बी नाइस टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। इट वुड नॉट बी नाइस, सॉरी, इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू। फिर वो सोचता है कि यार मैं क्यों बार्स के बीच हूँ हमेशा, ये मेरा व्यू स्पॉइल नहीं करते, जो बार्स हैं ये मेरा व्यू को स्पॉइल करते हैं। मतलब मैं जैसा दिख सकता हूँ, मैं जैसा बिहेव कर सकता हूँ वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आजादी, मेरा रूप बंद हो गया है। आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो। वो कहता है मैं चाहता हूँ काश मैं वाइल्ड होता, मैं जंगली शेर होता, मतलब मैं ये ऐसा जू का शेर नहीं होता, मैं जंगल का शेर होता। लेकिन बट इफ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी, बट इफ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी, बट इफ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्राउन मी, देन ही स्टॉप थिंकिंग। तो क्या होता है, वो सोचता है कि यार अगर मैं ऐसा होता तो खतरा भी था, अगर मैं जंगली होता तो शायद मुझे कोई शिकारी गोली मार देता, शायद मेरे खाने में जहर निकल आता। कई बार होता है कि शेर गलती से कुछ जहरीला खा लेता है या सांप उसको खा लेता है, डिस्कवरी पे देखना। कभी कभी वो पानी में डूबने का खतरा भी रहता है किसी कारण से, तो ऐसा कुछ हो सकता था। फिर वो सोचना ही बंद कर देता है कि नहीं यार जैसा हूं मैं ठीक हूँ। ये कंफर्ट जोन दिखा रहा है, हमारे जिंदगी में भी होता है, हम कंफर्ट जोन से बाहर आने की सोचते हैं फिर वो सोचते हैं, फिर सोचना बंद कर देते हैं कि मैं ये करूं ये करूं ये करूं, यूपीएससी करूं ये करूं वो करूं, ऐसा कमाऊं वैसा कमाऊं, बिजनेस स्टार्ट करूं। फिर सोचते हैं नहीं यार बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, तो हम सोचना बंद करते हैं और अपने जो 10,000 20,000 का लेवल है वहां पे आके बैठ जाते हैं। ऐसे ही आप एग्जाम की सोचते हो 95 लाने की, फिर लगता है नहीं यार रात को जागना पड़ेगा, तो फिर आप अपने 60 70 पे आके बैठ जाते हो। इसी तरीके से शेर ने सोचा कि मैं जंगल में होता, उसको डर लगा और वो वापस आके बैठ गया, और फिर वापस क्या करने लगा, वो ग्राउल स्नार्ल और रोर, अपने औकात में वापस आ गया। अगली पोयम देखते हैं द पैंथर। पैंथर इस तरीके का होता है, पिंक पैंथर जैसे देखा होगा आपने कार्टून में। अभी पैंथर के बारे में होगा क्या, बेसिकली देखो हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स। बेसिकली ये ऐसा पैंथर है जो थक चुका है, काफी बूढ़ा है, और बार्स के पीछे मतलब उस केज में उस पिंजरे में बंद हो के उसकी आंखें बहुत थक गई है, उसको कुछ और देखने का मन तक नहीं है। देखो कैसे हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स हैज ग्राउन सो वियरी दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स। अब उसका इतना वियरी हो गया है जो उसका विजन है, मतलब उसकी आंखें इतनी थक चुकी हैं कि अब वो कुछ और देखना चाहता ही नहीं है। इट सीम्स टू हिम देर आर 1,000 bars एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड। अब उसको ऐसा फील होता है कि मेरे सामने जो सलाखे हैं, मान लो हजारों सलाखे हैं और इन सलाखों के पीछे कोई दुनिया है ही नहीं, मतलब मैं जिसमें हूं इस कोठरी में वो दुनिया है ही नहीं। एज ही पेसेस इन क्रैम्ड सर्कल्स ओवर एंड ओवर द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड्स इज लाइक अ रिचुअल डांस अराउंड द सेंटर इन विच अ माइटी विल स्टैंड्स पैरालाइज। बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ है ये। अब होता क्या है, देखो केस तो आपने देखा होगा, बना देता हूँ आपके लिए। जैसे ये देखो ये सलाखे हैं, अब इन सलाखे या कोठरी में क्या होता है, ये जो पैंथर है ठीक है, अब ये क्या करता है, जब पेस करता है ये गोल घुमा गोल घुमा गोल घुमा गोल घुमा गोल घुमा गोल घुमा,
गोल घूमा गोल घूमा गोल घूमा, ऐसे करके गोल गोल घूमता है। तो जब ये ऐसे छोटे सर, अब क्रैम्ड मतलब होता है छोटा, छोटे से सर्कल में, क्योंकि भाई जगह ही नहीं है कहाँ से होगा, तो जब वो छोटे छोटे सर्कल में इसका जो मूवमेंट है वो डांस की तरह रहता है। गरबा किया है आपने कभी? गरबे में होता है ना वो डांस करते हैं, चौगाड़ा थारा, तो ऐसे गोल गोल करके डांस कर रहे होते हैं। तो एक रिचुअल डांस हो, एक क्लासिकल डांस हो, उस तरीके से ये घूम रहा है पैंथर। और इस घूमने में इसकी जो शक्ति है, इसकी बहुत जो पावर है, माइटी जो विल है, वो पैरालाइज्ड है। पैरालाइज्ड होने का मतलब क्या है, वो शक्ति कैद हो गई। वो बना किसके लिए था, जंगल में शिकार करने के लिए, कि हिरन के पीछे या किसी भी जानवर के पीछे वो तेजी से भागता, झपटता, लड़ता, स्ट्रगल करता, पेड़ पे चढ़ता, इतना कुछ करता। लेकिन ये पूरी शक्ति कहाँ सीमित हो गई है, छोटी सी जगह में, छोटे से गोले में घूमने के लिए। ओनली एट टाइम्स द कर्टेल ऑफ हिज पपिल्स लिफ्ट्स क्वाइटली, एन इमेज एंटर्स इन, रशेस डाउन थ्रू द टेंस अरेस्टेड मसल्स, प्लंजेस इन टू द हार्ट एंड इज गॉन। होता क्या है, जब भी उसकी आंखें खुलती है, ये देखो कर्टेल ऑफ पीपल्स मतलब ये, इसकी जब पलके थोड़ी सी जब खुलती है और उसको सामने जो भी है वो उसको दिखता है धीरे, अरेस्ट उसके जो टेंस्ड मसल्स है, मतलब उसका मन नहीं है कुछ भी देखने का, थक चुका है, तो उसके माइंड में इमेज जाती है, उसके दिमाग टावर चली जाती है। मतलब वो किसी को नोटिस नहीं करता, बॉदर नहीं करता कि आसपास मैंने क्या हो रहा है, बहुत इग्नोर मारता है वो। अब देखते हैं छोटी सी एक स्टैंजा, वैसे तो ये बहुत बड़ी पोयम है पर आपकी बुक में खाली 4 लाइन थी तो मैंने खाली आपको 4 लाइन ही दिखाई है इसमें। जो ग्रेटर कैट है वो गोल्डन आईज के साथ, इस तरीके से, ग्रेटर कैट मतलब पता होगा बिल्ली की प्रजाति होती है, लेपर्ड, हाइना, टाइगर, ये सब बिल्ली की प्रजाति के ही है ना। तो ये सब क्या है, अपनी गोल्डन आईज के साथ इस बार से बाहर देखते हैं, यानी इन सलाखों के बाहर देख रहे हैं जहां पे डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान नहीं है, डेजर्ट का मतलब है ऐसी जगह जो छूटी हुई है, मतलब खाली जगह जहां पे कोई नहीं है। तो डेजर्ट को देखते हैं जो कि, और डिफरेंट स्काइज मतलब आसमान अलग है। ये बेसिकली उस समय की बात है जब एक जानवर को नया नया पकड़ा गया है, एक आजाद जानवर जिसके लिए जंगल हरा भरा था, जिसके लिए जीव जंतु बहुत सारे थे, जिसके लिए आसमान अलग ही था वहां का। अब उसको एक अलग आसमान दिखता है, रात को अलग सितारे दिखते हैं, यानी अब वो कैद में है, उसकी आजादी खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों इसी के साथ ये अमेजिंग वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई हो सारी की सारी पोएम्स, तो लाइक जरूर करो, अपने क्यूरियस फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी बहुत सारे चैप्टर्स आपके लिए लेके आऊं। फाइनली